मेरे प्यारे देशवासियों, एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन अनुसार हमें भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाना है और इसके लिए सबकी भागीदारी आवश्यक है। बेटा जी, ये रहे आपके प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक की प्लेट्स, स्ट्रॉ, और ये रहे आपके प्लास्टिक के कप। कितने हुए? 800 रुपए। अरे रुको रुको, ना मैं ये लूंगी, ना मैं ये लूंगी, और ये तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। पर क्यों? जानते नहीं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिए जाते हैं और हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, इसलिए भारत सरकार ने इसके इस्तेमाल पर 1 जुलाई 2022 से रोक लगाई है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण में मत फैलाओ। कुछ लेने जाओ तो कपड़े के बैग को लेके जाओ और पॉलिथीन को अपने जीवन से हटाओ। प्लास्टिक के बर्तनों से अपना रिश्ता तोड़ो। स्टील, ग्लास, लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों से नाता जोड़ो। राइट। प्लास्टिक के कूड़े को जल में कभी ना मिलने दे। पानी के जीवन को खतरे में ना पड़ने दे। मिशन लाइफ को अपने जीवन शैली में लाए। आओ मिलकर प्रो प्लैनेट पीपल बन जाए और पर्यावरण को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।